शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर इन दिनों विवाद गरमाया हुआ है। फिल्म के पहले गाने बेशर्म रंग में दीपिका द्वारा पहने गए भगवा रंग के कपड़ों को लेकर राजनेता से लेकर हिंदू संगठन तक विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर दीपिका और शाहरुख के खिलाफ लोग शिकायत भी दर्ज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पठान को जमकर बॉयकॉट किया जा रहा है और इसे बैन करने की मांग भी उठ चुकी है। वहीं कुछ संगठनों ने भी फिल्म के बॉयकॉट की मांग की। जहां एक तरफ शाहरुख खान के पुतले फूके जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वीर शिवाजी ग्रुप और हिंदू सेना ने फिल्म के मेकर्स और सिनेमा घर मालिकों को धमकी दे दी। जहां पूरे देश में फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं इसी बीच शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो इतने हल्के नहीं हैं कि बॉयकॉट ट्रेंड की हवा से हिल जाएं। बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो शाहरुख खान का वायरल हो रहा है वो सालों पुराना है, जिसे पठान विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वीडियो में वो कोमल नाहटा के शो में नजर आ रहे हैं। वीडियो में शाहरुख से सवाल किया जाता है कि आपको लगता है कि आप लोगों का सोशल बॉयकॉट से नुकसान होगा। इसका जवाब देते हुए शाहरुख खान कहते हैं, बड़बोला नहीं बोलना यार, लेकिन इतना हल्का नहीं हूँ, हवा से थोड़ी ना हिलने वाला हूँ, हवा से झाड़ियाँ हिलती हैं। वो लोग जिन्होंने बॉयकॉट किया वो काफी खुश होंगे और वो भी हमारी वजह से खुश हैं। लेकिन इस देश भारत में जितना प्यार मुझे किया जाता है, मैं ये डंके की चोट पर बोल सकता हूँ कि बहुत कम लोगों को किया गया है, और वो प्यार एक या दो बात से कम नहीं होता। वो फर्क लोग समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट से मुझे या मेरे परिवार को कोई नुकसान होगा। वही आपको बता दें कि हाल ही में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी पठान को लेकर चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड और विरोध पर खुलकर शाहरुख खान ने अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था, ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सबके सब जिंदा हैं। बता दें कि पठान के विरोध में न सिर्फ हिंदू संगठन बल्कि मुस्लिम संगठन के लोग भी सामने आ रहे हैं। देश के कई राज्यों में पठान का इस कदर विरोध हो रहा है कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं। बता दें कि हाल ही में फिल्म का गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ था। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भगवा रंग के बिकनी में नजर आ रही हैं। इसी पर बीजेपी के नेताओं समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने बहिष्कार की मांग की है। वही शाहरुख खान के इस फिल्म के समर्थन में बोलने वाले लगातार ट्रोल हो रहे हैं। बताते चले कि पठान 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।